सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का एक वीडियो है जिसमें उन्हें अपनी ही पार्टी के कराए गए सर्वे में आम आदमी पार्टी की आलोचना करते हुए देखा जा सकता है। यह अपने आप में चौंकाने वाला है। इसकी पड़ताल हमने की और जो पाया वो अब आपको दिखाने जा रहे हैं। सियासी पार्टियों में आपसी तकरार, खींचतान और आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। राज्य दर राज्य होने वाली सियासी जंग में सत्ता पक्ष और विपक्ष का चेहरा और तौर तरीका बदलता रहता है। सियासी घमासान की सबसे बड़ी वजह होती है बयान, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष के नेताओं के हों या विपक्ष के। अपनी पार्टी की नीति या नेता के गलत होने की सूरत में भी पार्टियां बचाव करती ही दिखाई देती हैं। ऐसे में अपनी ही पार्टी के खिलाफ कोई डिप्टी सीएम खुलेआम कोई बयान दे तो मामले की गंभीरता को समझना मुश्किल है। 5% सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी में नंबर दो मनीष सिसोदिया को अपनी पार्टी के बारे में कुछ ऐसा कहते दिखाया जा रहा है जिसे सुनकर यकीन कर पाना आसान नहीं होगा। जनता बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को समझती है कि आम आदमी पार्टी ही इस देश में दंगे कराती है, आम आदमी पार्टी ही गुंडे कराती है। भला कोई अपनी ही पार्टी का सर्वे कराकर उसके नतीजे प्रेस में बताकर अपनी ही पार्टी की धज्जियां उड़ाएगा? एक यूजर ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि उन्होंने भी मान लिया है कि सबसे बेहतरीन पार्टी बीजेपी है और सबसे खराब पार्टी आम आदमी पार्टी। देखिए इस वीडियो को और पढ़िए यूजर के दावे को। दूसरा सवाल था कि किस पार्टी में सबसे ज्यादा शरीफ, पढ़े लिखे और ईमानदार लोग हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 73% लोगों ने कहा, कांग्रेस 15%, आम आदमी पार्टी को 10% और अदर्स 2%। इस वीडियो में एक सर्वे के बारे में बताते हुए अपनी पार्टी की बुराई करते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुना जा सकता है। जाहिर है ये बेहद हैरान कर देने वाला बयान माना जाएगा, सुनकर यकीन कर पाना मुश्किल है। यही वजह है कि गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल करने का फैसला किया। अपनी पड़ताल के लिए हमने इस वीडियो से जुड़ी तस्वीरें गूगल रिवर्स इमेज सर्च टूल के जरिए खंगाली तो हम एक यूट्यूब पर एक वीडियो हाथ लगा जो आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल चैनल पर 4 मई 2022 को अपलोड किया गया था। वायरल वीडियो की तरह हूबहू कपड़े पहने मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखे, लेकिन यहाँ बातें कुछ अलग थी। हमने पूछा था कौन सी पार्टी देश भर में गुंडागिरी और दंगे कराती है। बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को समझती है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस देश में दंगे कराती है, भारतीय जनता पार्टी ही गुंडे कराती है। यहाँ कुल वीडियो की लंबाई हमें 5 मिनट 41 सेकंड की मिली और इस वीडियो को गौर से सुनने पर हमने पाया कि 1 मिनट 21 सेकंड से लेकर 2 मिनट 40 सेकंड के हिस्से से छेड़छाड़ की गई है। अपनी पड़ताल हमने जारी रखी। इसी दौरान हमें मनीष सिसोदिया के ट्विटर हैंडल पर ये वीडियो ठीक उसी दिन यानी 4 मई 2022 को दोपहर 2 बजे अपलोड मिला, जहां मनीष सिसोदिया को वायरल वीडियो से उलट सर्वे के बारे में बात करते सुना जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की गुंडे का ही नतीजा है। इतना ही नहीं, इस वीडियो के ठीक 2.5 घंटे बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पार्टी की तरफ से कराए गए सर्वे और उसके नतीजों का जिक्र भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली के 11.5 लाख लोगों के सर्वे का नतीजा, दंगे और गुंडई कौन फैलाता है, 91% बीजेपी, 8% कांग्रेस, 1% अन्य। किस पार्टी में सबसे ज्यादा गुंडे, 89% बीजेपी, 5% कांग्रेस, 2% आप, 4% अन्य। शरीफ, शिक्षित लोगों की पार्टी कौन, 73% आप, 15% कांग्रेस, 10% बीजेपी और 2% अन्य। सब मानते हैं बीजेपी गुंडों की पार्टी है। हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि वायरल किया जा रहा वीडियो एडिटेड है। इसमें बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, यानी जो वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। राजस्थान सरकार की तरफ से एक आदेश का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जा रही है और दावा किया जा रहा है कि वो स्कूली शिक्षा में भेदभाव कर रही है। फीस छूट के फैसले धर्म को देखते हुए लिए जा रहे हैं, जिसमें धर्म विशेष के बच्चों को माफी दी जा रही है। क्या है इस दावे की हकीकत, इस रिपोर्ट में जानिए। राजस्थान में सांप्रदायिक विवादों के बीच इसे हवा देने की कोशिश करने वाले भी सक्रिय हैं। हालांकि ऐसे तत्वों के खिलाफ पुलिस सक्रियता से कार्रवाई कर रही है, लेकिन ऐसी कवायदें पूरी तरह से थम गई हैं, ये नहीं माना जा सकता।
ताजा मामला सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट जुड़ा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि राजस्थान सरकार ने एक धर्म विशेष को सहूलियत देते हुए बहुसंख्यकों से भेदभाव किया। एक यूजर ने पोस्ट करते हुए ये दावा किया है, शिक्षा के बुनियादी अधिकार को लेकर आमतौर पर सरकारें मजहबी आधार का फैसला लेने से बचती हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार का ये फैसला किन परिस्थितियों में, ये समझना हर कोई चाहेगा, लिहाजा हमने इसकी पड़ताल का फैसला लिया। अपनी पड़ताल के लिए हमने गूगल की रिवर्स इमेज सर्च टूल का सहारा लिया और इस दौरान हमें हिंदी दैनिक की वेबसाइट पर खबर का लिंक मिला। 9 मई को वेबसाइट पर छपी इस खबर में ये बताया गया कि राजस्थान में रजिस्टर्ड मदरसों में पांचवी में पढ़ने वाले बच्चों से 40 रुपए बतौर परीक्षा शुल्क लिया जा रहा था, जिसे सरकार ने माफ किया है। और इसी तरह की खबर को 7 मई को एक अंग्रेजी दैनिक की वेबसाइट ने भी रिपोर्ट किया, सरकार के इसी फैसले का हवाला देते हुए, जिसमें सरकारी स्कूलों के बच्चों की तरह उन्हें भी परीक्षा शुल्क से छूट देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा एक और हिंदी दैनिक ने अपनी वेबसाइट पर इस खबर को प्रमुखता से लिखते हुए साफ किया कि सरकार ने यह फैसला मदरसों के संबंध में लिया, जिसमें एक तो सरकारी स्कूल के बच्चों को फीस माफ पहले से है, दूसरा प्राइवेट स्कूलों में बच्चों से 40 रुपए लिए जा रहे थे, जो बच्चों से न लेकर स्कूलों को खुद देना होगा। 3 प्रमुख अखबारों में छपी रिपोर्ट में ये साफ है कि सरकार के फैसले में भेदभाव जैसी कोई बात नहीं, बल्कि सरकारी स्कूलों में पहले से ही फीस माफ थी, जबकि मदरसों में 40 रुपए लिए जा रहे थे, जिसे सरकार ने छूट देते हुए माफ कर दिया। साफ है कि वायरल पोस्ट में किया जा रहा दावा पूरी तरह गलत है और भ्रम फैलाने वाला भी, बल्कि इसे भड़काऊ भी माना जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई में हनुमान चालीसा को लेकर चला सियासी ड्रामा बीते दिनों पूरे देश ने देखा। महाराष्ट्र सरकार की सख्ती का शिकार राणा दंपत्ति हुई, जिसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी अभी तक नहीं थमा है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर लंदन में हनुमान चालीसा का पाठ का हवाला दिया जा रहा है। मुंबई में की जाने वाली कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आप भी देखिए फैक्ट चेक की हमारी ये पड़ताल। देश में लाउडस्पीकर विवाद, अजान और हनुमान चालीसा का मुद्दा चल रहा है, जिसके समर्थन और विरोध को लेकर सियासत भी हो रही है, पाले भी खींचे जा रहे हैं, मीडिया और सोशल मीडिया पर जमकर बहस भी हो रही है। इन मामलों को लेकर सरकारें, पुलिस और अलग अलग संगठन भी हरकत में हैं। जाहिर है ऐसे संवेदनशील मामलों में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली पोस्ट इसका ख्याल रखती है। ऐसा कह पाना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा इसीलिए है कि वायरल पोस्ट में तथ्य और तर्कों से परे जाकर अपनी बात कह देना रिवाज सा बन गया है। खैर, हम बात कर रहे हैं उस वायरल पोस्ट की, जिसमें एक वीडियो शेयर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो लंदन का है, जहां हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है, और मुंबई में हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को जेल भेजा जा रहा है। अप्रैल को पोस्ट किए गए 27 सेकंड के इस वीडियो में लंदन का टावर ब्रिज दिख रहा है, जहां कुछ लोग एक ग्रुप में खड़े हैं। एक व्यक्ति के हाथ में माइक नजर आ रहा है। ज्यादातर लोगों ने भगवा दुपट्टा ओढ़ रखा है और सभी एक सुर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां शिवलिंग भी नजर आ रहा है। हनुमान चालीसा को लेकर देश में उठे सियासी विवाद के बीच ये वीडियो चौंकाने वाला है, लिहाजा गुड न्यूज टुडे की टीम ने इस वीडियो की पड़ताल करने का फैसला किया। अपनी पड़ताल के लिए कुछ खास कीवर्ड्स के आधार पर इसे रिवर्स इमेज टूल से ढूंढना शुरू किया गया। जल्द ही हमें एक यूट्यूब चैनल का लिंक मिला, जयतु भारतम नाम के इस चैनल पर हमें ये वीडियो मिला। इसे 11 सितंबर 2021 को अपलोड किया गया है। इसके टाइटल से ही पूरा माजरा साफ हो जाता है। इसके मुताबिक आयोजक ने बताया कि उन्होंने जन्माष्टमी मनाई और हनुमान चालीसा का पाठ किया। कार्यक्रम 30 अगस्त 2021 को ही किया गया। हमने अपनी पड़ताल जारी रखी, जिसकी वजह से हमें फेसबुक पर एक और लिंक मिला, जिसमें खास तौर पर यह जिक्र किया गया है कि यूनाइटेड किंगडम में पहली बार किसी हिंदी त्योहार को मनाया गया। इस दौरान लंदन पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर एंजेला मेलारेन भी मौजूद रही। संकट से हनुमान छुड़ावे, मर कर बचावे।
हमारी पड़ताल में अब ये साफ हो गया था कि हनुमान चालीसा का पाठ लंदन में जरूर किया गया था, लेकिन ये हाल फिलहाल नहीं बल्कि एक साल पहले, और इसका मुंबई में हनुमान चालीसा मामले से कोई लेना देना नहीं। लिहाजा वायरल पोस्ट में किया जा रहा दावा आधा सच और आधा झूठ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जाना कहीं नहीं है क्योंकि कुछ और वायरल खबरें आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे। और अब कुछ वायरल खबरों की तरफ रुख करते हैं। कुछ तस्वीरें आपको गुदगुदा जाती हैं, कुछ तस्वीरें देखकर आपको सुकून मिलता है, कुछ तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाते हैं। वायरल वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी तो आपने देखी ही होगी, गाड़ियों को मैनेज करने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है इससे भी आप वाकिफ होंगे। और लाल झंडियों का इस्तेमाल तो आपने रेलवे में देखा ही होगा, लेकिन इस व्यक्ति को देखिए, ये बतकों को गाइड करने के लिए एक लाल झंडी का इस्तेमाल किसी ट्रैफिक कांस्टेबल की तरह कर रहा है। दिलचस्प ये है कि बतक उसके इशारे को समझ भी रही है। एक कहावत, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। हालांकि ये कहावत इंसानों के लिए तो ठीक है, लेकिन किसी जानवर के लिए ये सच नहीं हो सकती है। लेकिन इस बिल्ली को पैसे के लिए तड़पते हुए देखकर आपका ये भ्रम भी दूर हो जाएगा। पैसा उठाने के लिए बिल्ली क्या क्या जतन कर रही है, यही इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है। ट्रेड मिल पर एक्सरसाइज करती इस बिल्ली की होशियारी देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये बिल्ली जिस तरह से पहले पूरी सावधानी बरतते हुए ट्रेडमिल पर पांव रख रही है, उसे शायद आपको लग रहा हो कि बिल्ली पहली बार इस नई चीज को ट्राई कर रही है। लेकिन आप क्या कहेंगे, देखिए ये तो मजे से एक्सरसाइज कर रही है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि बिल्ली फंस गई है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए बिल्ली कैसे बड़ी चालाकी से पीछे की ओर खिसक रही है। पक्षियों की रेस हो सकता है आपने देखी हो, लेकिन इंसानों के साथ बत्तख की रेस अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ देख लीजिए। ये बत्तख इस रेस में भले ही पीछे दिख रहा हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारी इसने और लीजिए ये रेस में सबसे आगे निकल गया। जीत का मेडल पहनकर किसे खुशी नहीं होती भला, इन्हें भी हो रही है, फोटो वोटो ली जा रही है। और ली भी क्यों ना जाए, जीत कर मेडल और प्राइज भी तो लिया है। इस साहब को देखकर आप सोच रहे होंगे कि बच्चा वाटर डिस्पेंसर से पानी लेना सीख रहा है, लेकिन ये क्या, ओह इतनी ऊंचाई से इतना, वो भी पानी भरकर, पानी तो छलके गाना, भीग गया बेचारा। लेकिन अब जो हो रहा है वो बचपना नहीं, ये तो शरारत हो रही है। देखिए कैसे बड़ों की तरह पानी पीने की कोशिश हो रही है, ऐसे कौन पानी पीता है भला। माँ को देखकर बच्चों का मचल जाना लाजमी है, लेकिन माँ के लिए इस बच्चे की बेकरारी देखकर आप भी अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाएंगे। बच्चा दूसरे मेहमानों के साथ बड़ी बेसब्री से दुल्हन बनी माँ का इंतजार कर रहा है। ये देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इसने ऐसा क्या जादू कर दिया कि कार की डिक्की अपने आप खुल गई। तो ये देखिए, यहाँ कोई जादू नहीं हुआ है, ये जनाब कार के नीचे थे और इन साहब के हाथ में सामान था, तो बस इन्होंने अपने पैरों से कार के नीचे दोस्त को इशारा किया और खुल गई डिक्की, है ना मजेदार। ये देखिए
देखिए क्या तरकीब निकाली है। आपकी बिल्डिंग का भी अगर लिफ्ट खराब हो गया हो तो सामान नीचे तक पहुंचाने के लिए तरीका बुरा नहीं है। देखिए कैसे पलक झपकते ही सामान नीचे आ रहा है। ये अलग बात है कि इसके लिए 2 से 3 लोग भी चाहिए, वरना कपड़े का निचला हिस्सा कहीं बांधा भी जा सकता है। इनकी हरकतों को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये लोग किसी जानवर या पक्षी को मारने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए कैसे कसकर बोरी को बंद कर रखा है और डंडा लिए व्यक्ति को हिदायत भी दी जा रही है थोड़ी नरमी बरतने की। लेकिन ये क्या, ये तो बर्फ के टुकड़े हैं। इतना ताम झाम इसी के लिए था। वैसे एक बात नोटिस की आपने, तरीका बढ़िया है बर्फ की सिल्ली के टुकड़े करने का। स्टंट तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन इनके स्टंट लाजवाब हैं। सड़क पर फर्राटे भरती बाइक पर इनका डांस देखिए और इनका बैलेंस और कॉन्फिडेंस भी। लग ही नहीं रहा कि जनाब सड़क पर डांस कर रहे हैं, वो भी चलती हुई बाइक पर। इनके स्टेप्स इतने सधे हुए हैं कि आप भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन लगता है कि जनाब पर ट्रैफिक पुलिस की नजर नहीं है। खैर अगर आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं तो इरादा फौरन टाल दीजिए, क्योंकि स्टंट खतरनाक है। सड़क पर ऐसा स्टंट करना सही भी नहीं है।